उसकी स्वर्णिम प्रकाश किरणें हिमालय के शिखर पर, हिमालय। अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय, ऋषि सत्ताओं का केंद्र हिमालय। परम पूज्य गुरुदेव का वर्तमान आवास ऋषियों की पार्लियामेंट के बीच हिमालय, अध्यात्म चेतना का केंद्र हिमालय। हिमालय केवल बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडागार है हिमालय। हिमालय के शिखर पर स्वर्णिम सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही, स्वर्णिम सोने के समान। हिमालय के शिखर, ऊंची ऊंची चोटियां, अपने मन को हमारे निर्देशों के अनुसार धीरे धीरे ले जाइए। हरिद्वार, शांति कुंज, सप्त सरोवर, गंगा का तट, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज। शांति कुंज आप वहां विराजमान, कल्पना कीजिए। गंगा का तट, गंगा की गोद में आप विराजमान, चारों तरफ उल्लास ही उल्लास। वो शांति कुंज जहां नियमित जप चलता है, अखंड जप। वो शांति कुंज जहां नियमित यज्ञ होता है, नियमित जप, नियमित यज्ञ और अखंड दीपक, जिसके सानिध्य में करोड़ों के अनुष्ठान हो चुके। अखंड दीपक, कल्पना कीजिए आप अखंड दीपक के सामने बैठे, शांति कुंज हरिद्वार, सप्त ऋषियों की तपस्थली, महाकाल के घोंसले में आप विराजमान। सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, सूर्य की किरणें अनेक पर सूर्य एक। सूर्य किरणें अनेक, सूर्य एक, सहस्त्रांश। सूर्य सविता प्रसविता, उस सूर्य की अनगिनत किरणें और उनमें से कुछ हमारे ऊपर पड़ रही। लहरें अनेक, समुद्र एक, बूंदे अनेक, जलराशि एक, किरणें अनेक, सूर्य एक, हम सब अनेक पर हमारे मन एक, एक मन, एक मन हम सब का, वही एक जो परम पूज्य गुरुदेव का हाथ है, पैर है, विभिन्न रूपों में गुरुदेव यहां पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर के एक। परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव सब मिलकर के एक, एक मन हम सब का। सूर्य का प्रकाश हमारे सारे शरीर पर,
धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है, हम अखंड दीपक का ध्यान कर रहे हैं। इसी बीच सारा सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर रोम रोम में कण कण में समा हुआ है। किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, शरीर में, मन में, अंतःकरण में किरणें, किरणों का प्रवेश। सूर्य प्राण है, आध्यात्मिक तेज है सूर्य का, जिसकी वजह से हम सब अपनी चेतना को पोषण दे पाते हैं। चैतन्यमयी सत्ता हमारी सूर्य के कारण। सूर्य सविता, प्रसविता सविता, पोषण करने के कारण, जन्म देने के कारण सविता, इस सृष्टि का जन्म। हम सब जिस प्रसव के माध्यम से आए हैं उसका कारण है सूर्य। सूर्य हमारा पिता, सूर्य हमारे गायत्री मंत्र का देवता, सूर्य का प्रकाश रोम रोम में कण कण में, सुंदर प्रेरणाएं देने वाला सूर्य, भर्ग पाप नाशक तेज, पापों को भून देने वाला सूर्य हमारे शरीर के रोम रोम में कण कण में, साधक का सविता को समर्पण। पहले चिंतन किया, मनन किया, धारण किया, अपने अंदर धारण करने के पश्चात उसको अनुभव किया, अनुभव करने के बाद समर्पण। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, साधक प्रकाशवान, सवितावान, प्रकाशवान, ऊर्जावान, तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी साधक। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, ओम
सर्वारेणम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साष्टांग नमस्कार। सर्वव्यापी ब्राह्मण ब्रह्म को विश्व ब्रह्मांड का भगवान का दृष्ट मानकर नमस्कार करें। ओम नमो सवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाचि शिरोरुवा सहस्त्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वती सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सावधान शांतचित स्थिर शरीर कमर सीधी दोनों हाथ गोदी में आंखें बंद ध्यान मुद्रा शरीर शांत मन शांत विचार शांत भाव जागृत। भाव जागृत नवसृजन हेतु दिव्य चेतना का आवाहन देवात्मा हिमालय के हृदय क्षेत्र से दिव्य संचार दिव्य चेतना का संचार धरती से आकाश से सभी दिशाओं से दिव्य चेतना के विराट प्रवाह के बीच साधक साधक दिव्य चेतना से ओतप्रोत साधक का दिव्य चेतना को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय Thank you.
अग्नि ईंधन एक। इष्ट साधक एक। हम सब एक। हम सब एक अग्नि एक लपते अनेक। सूर्य एक किरणे अनेक। शरीर अनेक प्राण एक। विचार एक भाव एक। हम सब एक। हम सब एक। काया में दिव्य प्राण। बुद्धि में दिव्य संकल्प। हृदय में दिव्य भाव। दिव्य पुरुषार्थ जागृत। दिव्य संकल्प जागृत। दिव्य भाव जागृत। दिव्यता जागृत। संकीर्णता समाप्त। महानता जागृत। मोह समाप्त। उदार आत्मीयता जागृत। स्वार्थ संकल्प समाप्त। परमार्थ संकल्प जागृत। दिव्य चेतना के संचार से व्यक्तित्व में दिव्यता का समावेश। मन ही मन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी पात्रता बढ़ाएं, जो दिया है उसे स्थिर बनाएं, प्रभावी बनाएं, आपके अनुदानों को आपके अनुशासन में आपके कार्यों में लगाते रह सके। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति।
समाप्ति। 2 मिनट मौन ध्यान। गहरे सांस प्रश्वास के साथ सहज स्थिति में आए। सबके कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है, परमात्मा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, यह मान्यता रखते हुए सर्व मंगल लोक कल्याण की आकांक्षा रखनी चाहिए। सभी प्रज्ञा भाई दोनों हाथ पसारे हैं, इन्हें अच्छा मुद्रा में इन्हीं भावनाओं के साथ ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमापुन। प्रार्थना अपने मन को समझाना है, अपने आप को बुहारना है। प्रार्थना अपने आप से की गई गुहार है, आत्मा की कणु चित्कार है। सच्ची आकांक्षा और शरणागति भाव से प्रार्थना करिए। Thank you.
सफल बन